नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पंचायत चुनावों की तारीखों के नजदीक आते ही गांव में हलचल तेज हो चुकी है। वहीं हमारी टीम ने आज रुख किया जनपद प्रतापगढ़ का, जहां सांगीपुर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा सिंह चुनाव चिन्ह खजूर के पेड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और लगातार चुनावी रैलियां और जनसंपर्क करके जनता से जीत दिलाने की अपील कर रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी प्रतिमा सिंह के पति जिला कार्य समिति भाजपा के सदस्य सुरेंद्र सिंह से भी खास बातचीत की। जनपद प्रतापगढ़ में प्रत्येक दावेदार अपने ताल ठोकने में जुटे हैं। प्रत्येक दावेदारों की यह उम्मीद है कि अब की बार जिला पंचायत सदस्य पद का ताज उनके ऊपर ही सजेगा, लेकिन यह तय करना जनता का कार्य है और जनता ही बताएगी कि अग्रिम उम्मीदवार कौन है, किसे चुनती है वह मुखिया। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं सांगीपुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ये प्रथम से आज श्री प्रतिभा सिंह के पास। आपसे उनके पति हैं, आपसे बातचीत करते हैं सुरेंद्र द्विवेदी जी। आपसे बातचीत करते हैं सुरेंद्र सिंह जी, आप से जानकारी प्राप्त करते हैं क्या मुहिम है, किन मुहिम के तहत आप जनता के बीच में उतरे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रत्येक प्रत्याशी भी प्रचार कर रहे हैं उसमें आप क्या कुछ नया करने वाले हैं, आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, सबसे पहले प्रांतीय में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर, जनता के बीच में आप उतरे हैं, सूबे के मुखिया जिस तरीके से लगातार नई योजनाएं ला रहे हैं, इन्हें किस माध्यमों से आप जनता तक पहुँचाएंगे, क्या है आपकी रणनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश सरकार, दो सरकारें बहुत पूर्ण रूप से जन कल्याण योजनाओं को चला करके जनहित में सबको लाभ पहुंचा रही है। इसी तरह एक सरकार होती है जिले की, जो कि लगातार 1995 भ्रष्टाचार एक हाथों में ऐसा बधी हुई है, वो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे हो वो, और इतना बजट है उसके अंदर कम से कम 700 करोड़ का बजट, जो गाँव के विकास के कार्य, नाली खड़ंजा तमाम कार्यों को कार्य किए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से भ्रष्टाचार चपेट में आ चुका है और वो योजनाएं गांव तो नहीं पहुंच पा रही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर जिले में पूरे उत्तर प्रदेश में ये मन ठान लिया है कि इस बार जो दो सरकार काम कर रही हैं, इस बार जिले की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी और जो जिले की योजनाएँ हैं, जो जनता के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए जिला पंचायत के माध्यम से आ रही हैं, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त समस्त योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल सके, ये हमारी मुहिम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है अंतिम पायदान पे बैठे हुए हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, उसको लेकर के हम लोग मैदान उतरे हैं और जनता को पूरा सहयोग मिल रहा है और सरकार हमारी इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में भाजपा की सरकार बनेगी जिले में, और हम लोग कार्य करेंगे और 5 साल जब कार्य करेंगे तब जनता को लगेगा कि पंचायत होता क्या है, जिला पंचायत क्या होता है। अभी तक लोगों को मजाक लगता है भैया जिला पंचायत जीतता है, आपको आता नहीं है, मगर मैं ये आपके माध्यम से मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, जैसे दो सरकारें आपने बनाई और आपके हित में आपकी सोच से ऊपर हट करके आपकी सोच के तहत काम कर रही है आप विकास के लिए, इसी तरह से जिले की सरकार आप लोग बनाए और आपके गाँव का विकास होगा, निश्चित होगा। अगली बार आप खुद भाजपा के प्रत्याशी को ही चुनेंगे कि हमारी तीसरी सरकार जिले में इस तरह काम कर रही है, तीन सरकारें आप काम करेंगी तो सिर्फ भाजपा में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत होगा। सर, जिस तरीके से COVID-19 पूरे चरण सीमा पर है, उसकी सतर्कता बरते हुए आप किस तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं और कैसे अपना प्रचार प्रसार लोगों तक कर रहे हैं? देखिए, जो एक गज दूरी हम बना के रख रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, उनको हम बता भी रहे हैं कि कोविड में दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, हम पूरा कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। जिस तरीके से अभी कुछ गरीब पात्र व्यक्ति हैं, निचला तबका जो अभी शौचालय से वंचित हैं, कुछ आवास से वंचित हैं, कुछ के दरवाजे पर कितने बुरे गंदे पानी भरे होते हैं, इनके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर जनता आपको मदद देती है, आप उम्मीदवार चयन करती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही, शौचालय भी जो आपने कहा, ये एक ऐसी सरकार है, शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत अभियान तहत बनाया गया है कि हमारा भारत स्वच्छ हो, गांव स्वच्छ हो, ऐसी सोच कभी किसी की रही नहीं है। एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने एक बात कही थी, ये सबको पता होगा कि जब दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 पैसे रह जाता है, मगर आज वो समय आ गया है कि मोदी जी जो जन कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, चाहे शौचालय बनाने का हो, चाहे सार्वजनिक शौचालय बनाने का हो, चाहे राशन वितरण प्रणाली हो, चाहे किसान सम्मान योजना हो, सीधे के सीधे डायरेक्ट जनता के खाते में आ रही, बिचौलिया पर खत्म हो गया है। तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भी बताइए लोगों को कि सब कुछ
और खुला हुआ है बिल्कुल। वो समय खत्म हो गया है कि 80 पैसे 1 रुपए चलेगा और 20 पैसा यहाँ पहुँचेगा। वो सब भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है, आपने अपने और विपक्षी में क्या अंतर पाया इस क्षेत्र में? लगातार आप लोगों के बीच में गए होंगे, उनकी समस्या सुने होंगे, आपको क्या लगता है उनमें और आप में क्या अंतर है और इस चीज को लोग और जनता जानना चाहती है? देखिए, जो फर्क है जिला पंचायत में, लगातार यहाँ लोग कहते हैं भैया यहाँ लोग जीतते हैं और चले जाते हैं, कोई दिखता नहीं है 5 साल। उनको इस बार एहसास मन दिला दिया है चौपाल के माध्यम से, हर तरह से घर घर जाके हमारी पत्नी जी और दुर्गा जी और हम दोनों लगे हुए, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के सारे बता रहे हैं कि जिला पंचायत में लूट होती है। तो अब उनकी आंखें खुल गई हैं, वो निश्चित है इस बार भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे और जिता के भाजपा की सरकार पूरे जिले में इस बार बनेगी। सर, आप समय लगातार क्षेत्र पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से, आपकी क्या अपील है व्यक्तियों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रतापगढ़ वासियों को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे दो सरकार आपके हित में काम कर रही हैं, वैसे एक सरकार आपकी जिले की है जो सबसे ज्यादा बजट सरकार है। ये सरकार आप भाजपा की बनाएं जिससे आप सब तक भ्रष्टाचार मुक्त, जात भेदभाव छोड़ करके आपके गांव के विकास के लिए तत्पर रहेगी, जिससे आपका 3 सरकारें जब काम करेंगी निश्चित से आपको अगली बार दिख जाएगा कि जिला पंचायत क्या होता है। लोग जानना चाहते हैं आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस पर अगर वो मत देना चाहें तो किस पर दें और आप लोग किन चुनाव चिन्ह के साथ लगे हुए? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़ और आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी जो हमारे आसपास के यहाँ के, आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि इस बार आप लोग खजूर सांगीपुर प्रथम से खजूर के पेड़ पर निशा मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और विजयी होकर के आपकी सरकार जिले में बने जिससे आप सबके विकास की समस्त योजनाएं आप सबके गांववासियों तक पहुंचे। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय सुरेंद्र सिंह जी। आपकी ये मुहिम है, आपका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यदि बनती है तो विकास की राह लगातार जिस तरीके से नया आदम मतलब जिस तरीके से गंगा की लय चलती है उसी तरीके से आप विकास की राह दौड़ाएंगे, आपका ये मानना है? सांगीपुर प्रथम से यदि जनता आपको उम्मीदवार चुनती है तो एक भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रह पाएगा। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। पंचायत चुनाव को लेकर प्राइम टीवी की टीम लगातार चुनावी मैदान में है। इसी कड़ी में प्रतापगढ़ के सांगीपुर में प्राइम टीवी की टीम पहुंची, जहां जोरों शोरों से पंचायत प्रत्याशी प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव में उतरे प्रत्याशियों से हमारे संवाददाता लगातार बात कर रहे हैं। सांगीपुर चतुर्थ कांग्रेस समर्थित से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ममता परिहार उतरी है, जहाँ उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि उनके पक्ष में वोट करें। सांगीपुर चतुर्थ कांग्रेस प्रत्याशी के पुत्र रिंकू परिहार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सत्ता की बिगुल बजते ही, इलेक्शन जैसे ही आसपास आता है वैसे लोग अपने दावे स्टार्ट कर देते हैं। प्रत्येक पार्टी, प्रत्यक्ष पार्टी, विपक्ष पार्टी, सभी अपने दावे लोगों के बीच कर देती हैं, अपने नए नए वादे लाकर खड़े कर देते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है जनता के ऊपर। जनता किसे चुनेगी अपना जिला पंचायत प्रत्याशी, आखिर ये तो निर्णय ही बताएगा। लेकिन इसके पहले प्राइम टीवी अपनी मुहिम के माध्यम से उन जिला पंचायत सदस्यों से मिल रही है और उनके अग्रिम रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सांगीपुर चतुर्थ से ममता सिंह परिहार के पुत्र रिंकू परिहार जी हमारे साथ में हैं खास बातचीत करने के लिए। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है, किन रणनीति के तहत ये लगातार क्षेत्र में कार्यरत हैं और क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों के बीच में बने हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या जनता से अपील करना चाहते हैं इस प्राइम टीवी के कैमरे के माध्यम से? सर, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। जी सर, सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप क्षेत्र में उतरे हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पद पर दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या कुछ नया बदलाव लाना चाहते हैं क्षेत्र में और लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सब कुछ सब अच्छा अच्छे तरीके से जनता के बीच में पहुंचे, सब अच्छे तरीके से हो, जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हों, पहली प्राथमिकता ये रहेगी। इसके पहले भी जिला पंचायत सदस्य थे, सब अच्छे से कार्य करवाए, लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, जनता के बीच जाने का एक ही
विपक्ष दावा करती है कि वो कुछ बेहतर कर सकेगी, लोगों को एक सजेशन देती है, जिस तरीके से वो अपने दावों पर क्या खरा उतरेगी लोगों से, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के अंदर ढोल के अंदर बोल है, भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहाँ सच्चाई भी चलती है। इसके पहले कांग्रेस थी, पेट्रोल 50 रुपये में था, आज भाजपा जब से आई 100 रुपये में पेट्रोल हो गया। टोटल झूठे वादे भाजपा करती है, टोटल झूठे वादे। इससे सब लोगों को जागृत करेंगे, प्रेरित करेंगे, सब लोग कांग्रेस पार्टी को अपनाएं। अच्छा अच्छी नीति है माननीय प्रमोद जी के माध्यम से हम लोग सारा कार्य करेंगे। क्षेत्र के नेता रावा रामपुर खास क्षेत्र विकास के नाम पर जाना जाता है, तो इसमें चार चांद लगाने का कार्य आप किस माध्यम से करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? यदि आपको जनता दोबारा चुनती है तो कार्य करने की प्रथम शैली क्या रहेगी? परम आदरणीय प्रमोद जी के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास हो, ये पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। क्षेत्र का विकास हो, जनता खुशी रहे, सबके पीछे प्रमोद जी का हाथ है। प्रमोद जी कभी किसी को ना लेके किसी काम के लिए, प्रमोद जी रामपुर खास में सिर्फ काम के ही दम पर आज भी जीतते हैं। सबसे अच्छे प्रत्याशी के रूप में भाई 40 साल से जाने जाते हैं प्रमोद जी, सबसे अच्छा कार्य किए हैं। रामपुर में जैसे लोग घुसते हैं सड़क बता देती है, यहाँ का काम बता देता है कि हम रामपुर में आ रहे हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे माननीय प्रमोद जी के नेतृत्व में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा क्वेश्चन हम नहीं है, आपके क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है कि जिस तरीके से अभी गरीब तबके के व्यक्ति कुछ योजनाओं से वंचित हैं, वो अपने लिए लगातार प्रेरित रहते हैं, आपसे वो जानना चाहते हैं कि उन तक योजना किस माध्यम से आप पहुँचाएंगे? भाजपा सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ भाजपा के ही वजह से लोग गरीब तबके के लोग आज डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। हम सब लोगों को समझा रहे हैं, अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो सही मौके पर सभी लोगों को सारा कार्य करती थी, अच्छे कार्य करती थी। वो पहले से कांग्रेस पार्टी माननीय प्रमोद जी के नेतृत्व में सब अच्छा कार्य करेंगे भविष्य में। ये जो जनता आपको सुन रही है, आपके विकासखंड क्षेत्र के, आपके जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं, उन लोगों से आपकी क्या अपील है इस प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से? सभी लोगों से विनम्र आग्रह निवेदन विनती है, आप लोग सब जानते हैं, देखें सभी लोगों को, अभी तक भाजपा थी, भाजपा गलत तरीके से दुष्प्रचार करके आई सत्ता में, इसका दुष्प्रचार कांग्रेस प्रमोद जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कार्य करें, अच्छा लोगों का विकास हो, वही प्राथमिकता देगी हमने। तो आप जो जनता है वो आपको वोट किस चुनाव चिन्ह पर दे, आप उसे किस तरीके से अपने चुनाव चिन्ह को अवगत कराना चाहिए? इसके पहले भी हम लोग थे प्रमोद जी के नेतृत्व में से, अच्छा कार्य किए, अच्छा विकास किए, आज फिर दोबारा जनता लोगों को पूछ रही है इस वजह से। क्या है चुनाव चिन्ह आपका, किस चुनाव चिन्ह पर लोग आपको वोट करें? केतली निशान है हमारा, सभी लोगों से विनम्र आग्रह निवेदन है, आप लोग केतली निशान पर वोट दें, केतली निशान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे रिंकू परिहार जी, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी एक मुहिम डाली। आपका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए आदरणीय सूबे के जिस तरीके से रामपुर खास के मुखिया 45 सालों में विकास की लय बहाते रहे हैं, उसी विकास की लय को आप अग्रसर करने के लिए क्षेत्र में अभी तक कार्यरत थे और आज भी कार्यरत हैं। लोग यदि इन्हें दोबारा अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट देते हैं तो ये दोबारा उन गरीब तबकों के लोगों तक मिलेंगे जिन्हें योजनाओं से, जिन्हें उन पात्रता सूची में उनका नाम चाहिए, उन्हें इस योजना को मिलना चाहिए, ये उनका उस माध्यम को आगे सुचारू रूप से जारी करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिंकू परिहार जी, सांगीपुर चतुर्थ से आपकी माता जी जिला पंचायत सदस्य पद पर दावेदार हैं। लोगों से आपकी यही साफ तौर पर अपील है कि लोग इन्हें चुने और अपने विकास को सुचारू रूप से अग्रसर करें। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।